नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके पेपर है वो कॉलेज में चेक होते हैं या फिर दूसरे कॉलेज में चेक होते हैं। साथ ही में एक क्वेरी हम उसका भी जवाब देंगे, वो ये है कि क्या हमारे कॉलेज में डिफरेंट पेपर आएगा। मींस कि कहने का मेरा मतलब ये है कि काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया जैसे कि दयाल सिंह में हम है तो ऐसा तो नहीं होगा कि शहीद भगत सिंह वालों का अलग से पेपर आएगा और दयाल सिंह वालों का अलग से पेपर आएगा। तो ये क्वेरी भी हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट लेकर आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ले एग्जामिनेशन की। तो देखिए जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें कॉलेज अपने लेवल पे एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाते हैं। काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या ऐसा होता है कि एक कॉलेज को अलग क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और दूसरे कॉलेज के बच्चे को अलग क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक हिंदू में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको अलग पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे दिया गया और आप शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको अलग क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी को एक समान एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है। जो भी प्रोसीजर होता है एग्जाम वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से करवाया जाता है। कॉलेज का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। दूसरी बात की भाई पेपर की चेकिंग कहाँ होती है, तो देखिए पेपर जो है वो आपके दोनों जगह चेक होते हैं। आपके कॉलेज में भी चेक होते हैं और आपका जो है यूनिवर्सिटी में भी चेक होते हैं। मींस कि मेरे कहने का ये मतलब है जो भी कोर सब्जेक्ट आपके होते हैं, मान लीजिए जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो या किसी भी ऑनर्स हो या बीए प्रोग्राम के ही हो और आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है उनको हम बोलते हैं कोर सब्जेक्ट, तो कोर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे चेक होता है। मींस कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसे चेक करती है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है आपकी आंसर शीट की इवेल्युएशन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेसर हिंदू का ही होना चाहिए या वो प्रोफेसर स्टीफन्स का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है। दूसरी बात जो आपके जीई और एईसीसी सब्जेक्ट होता है, जीई मींस की जेनरिक इलेक्टिव जो कि ऑनर्स वाले स्टूडेंट ऑप्शनल में अपना चूज करते हैं, आप हिस्ट्री चूज करते हो, इकोनॉमिक्स चूज करते हो, डिफरेंट जो भी आपका मन है जो भी पढ़ने का वो आप चूज करते हो, वो सब्जेक्ट और आपका एईसीसी जो भी लैंग्वेज लेते हो, कम्युनिकेशन लेते हो, ईवीएस लेते हो, इसके जो पेपर्स होते हैं वो आपके कॉलेज में ही चेक होते हैं। जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वही आपके एग्जाम की जो आंसर शीट है उसकी इवेल्युएशन करते हैं। सो आप सभी को मेरे को लगता है कि अब समझ आ गया होगा कि पेपर आपके यूनिवर्सिटी में चेक होते हैं या फिर कॉलेज में चेक होते हैं।